काहे सुधरबू ना। अरे सुधर जा कोनो अच्छा दिन देख के, लेकिन तोरे अंदर कोनो सुधरे के लक्षण ना दिखात है। हाँ? अभी तो कम सूजी हो, इतना मारम ना कि और सूज जाइबू। सुधर जा ने, ठीक से बात किया कर, समझे? तोर गिर गेरा का सलवरवा, केहू के पास से गए रहे तो तोर गिर गेरा, तब भी तोके मालूम बा कि सलवार कैसे गिरत है, समझे? तो मार मार के तोर गाल सुझा दे, सही से बोला कर, समझे? नमस्ते प्रणाम, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद अच्छे होंगे, जहां भी हो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे। दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं कुछ अलग अंदाज में। ऐसे ऐसे भक्चोंदर पड़े हुए हैं कि क्या बताएं। जिस टॉपिक पे बात करना चाहिए उस टॉपिक पे तो मुंह में दही जम जाता है, बोल ही नहीं निकलता है कि मैं बोलना क्या चाहिए। और सही को गलत और गलत को सही बनाने के लिए तो इन लोग से पूछो, इन लोग के अंदर सही को गलत बनाने में बहुत अच्छा टैलेंट है। जो अश्लील चल रहा है उस पे आवाज नहीं उठ रहा है, फलनवा को दिखा रहे हो, ढमकवा को दिखा रहे हो, बोलो। अरे यही अंडवा बंडवा के एक सपोर्टर थी कुतिया गंधैली, वो अश्लील लाइफ चला रही है, खुलेआम चला रही है, जो दर्पण भंडारी को टारगेट कर रही थी, धंधा वाली बोल रही थी, उनकी बेटी को, माँ को, सबको लगा लगा कर गाली दे रही थी, आज खुद धंधा चालू कर दी है। इसके लिए किसी के मुंह में आवाज नहीं है, जीभ नहीं है बोलने के लिए, मुंह में दही जम गया है। सच कहाँ कोई बोलता है, सिर्फ बोलते हैं रे कि हम सच दिखाते हैं, लेकिन सच कोई नहीं दिखाता। घंटा बाबा जी का टुल्लू, कुछ सच नहीं दिखाते हो तुम लोग, सिर्फ गोरखपुरिया भाभी को टारगेट करो, दर्पण भंडारी को टारगेट करो। तुम लोग का यही फितरत है, तुम लोग यही कर सकते हो। दोस्तों खुले आम ये अंडवा की सपोर्टर है और खुले आम जाकर के लाइव चला रही है धड़ल्ले से। इसके लिए जब हम लोग आवाज उठाए थे तो हमारे वीडियो में आकर गंदा गंदा कमेंट कर रहे थे। अभी पता नहीं यही है कि इसी के चट्टे बट्टे कोई होंगे, तभी तो मिर्ची लगी थी, कमेंट करने आया था, मैंने हाइड कर दिया। तू नया नया आईडी बना कर क्या, मैं हाइड करती जाऊंगी, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, बस हाइड करती जाऊंगी, तू बना बना करा। लेकिन तुझे छोड़ेंगे नहीं जब तक तू गंदगी फैलाना बंद नहीं करेगी, तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग को पब्लिक सपोर्ट भी करती है, क्यों करते हो सपोर्ट, ऐसे गंदगी को क्यों सपोर्ट करते हो? और हाँ, विनोद भैया आवाज उठाए हैं, वीडियो बनाए हैं, बहुत अच्छा लगा, दिल से थैंक यू विनोद भैया, सरता दीदी को, आप लोग सब लोग मिल करके आवाज उठा, क्योंकि ये लोग एकदम सोशल मीडिया पे गंधवा दिए हैं। सिर्फ गोरखपुरिया भाभी कुछ करेंगे तो फलनवा कर दीस, गोरखपुरिया फलनवा कर दीस, ढमकवा कर दीस, देख तो रहते हो। गोरखपुरिया अगर पोटी करेगी ना तो वो भी देखोगे किस कलर की पोटी करी है गोरखपुरिया, बाकी चीज तुम लोग को नहीं दिखा देगा, आंख में पट्टी लगा है। तो अंडवा बंडवा से कहेंगे सुधारो, और अपने जो है तुम्हारे तुम्हारे ही सपोर्टर हैं तो उसको सुधारो, और दूसरे को जो उल्टा सीधा शब्द बोलती हो ना, सुधर जाओ, सुधर जाओ न, क्या बोले तुमको, तुमको तो मुंह से पता नहीं क्या क्या मेरे निकलता है, लेकिन तू सुधरने वाली है ही नहीं। जैसे तू है तैसे तेरे हैं सब जितने चट्टे बट्टे, और दर्पण भंडारी को टारगेट कर रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो दर्पण भंडारी मिली है टारगेट करने के लिए। तो एक बात कान खोल के सुन लो, दर्पण सिस्टर के साथ में हम हैं, जितना कहेंगी दर्पण सिस्टर हम उतना ही करेंगे। दर्पण सिस्टर जिंदाबाद, गोरखपुरिया भौजी जिंदाबाद, जिसको जो करना होगा कर लेना, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, क्योंकि वो महिला सच है, सच की साथ दे रही है, तब मैं उनके साथ में हूँ। तुम लोग की तरह आंख में पट्टी नहीं लगा है, बोलते हो ना गोरखपुरिया महारानी के अंधभक्त, हमारी महारानी गोरखपुरिया भाभी सच हैं, तब हम लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तुम लोग कहें आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, ऐसा नहीं है। अश्लील वालों को तो मार मार के भगाती हैं, कम से कम सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सपोर्ट किसी का ना करे, सपोर्ट करो, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन सपोर्ट करो। लेकिन कोई जा रहा है तो उसकी आईडी को चेक तो करो, चेक करो, उसकी वीडियो देखो, उसको उसकी लाइव देखो, चेक करो, फिर उसको फुल सपोर्ट करो। बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गंदे लोग का सपोर्ट करना ये बिल्कुल गलत है, मैं इसमें बिल्कुल हाँ नहीं करूंगी। चेक करिए, अगर वो सही है तो उसको सपोर्ट करिए,
और नहीं सही है तो उसको मार के भगाइए। क्योंकि दोस्तों आज के समय में किसके पास मोबाइल नहीं है, हर घर में बच्चों है, बच्चे के पास हर घर में मोबाइल है। और रात में दोस्तों जब ऐसे देखा करो इतने अजीब तरीके से ये लोग लाइव आती हैं कि जिसे लाज शर्म सब धोकर पी ली, इससे अच्छा कोठा खोल लो, कोठे पे बैठ जाओ, पैसे के लिए मर रहे हो अगर तो कोठा खोल के बैठ जाओ। ऐसे मर्द पे थू है जो अपनी बीवी बच्चे को कमा के ना खिला सके, ऐसे मर्द पे थू है ये, ऐसे लाइव में उल्टे सीधे हरकत कर, और खुद भी करती है अपने बेटी से भी करवाती है, और क्या बोले इसके लिए, ऐसी माँ पे थू है, माँ के नाम पे कलंक है ऐसी औरत, जरा से भी शर्म लाज नहीं है। यही चीज जो है विनोद भैया को पता चल गया, पहले ये नहीं थी, बाद में जब इसका हरकत आया ऐसा और पता चला तो विनोद भैया पीछे हट गए। बहुत अच्छा किए वो, सही है, मैं उनको बिल्कुल ही नहीं बोलूंगी, वो बहुत सही है अपने जगह पे, कि उनको नहीं पता था ना ये ऐसा करेगी। हमको भी नहीं पता कि कोई क्या कर सकता, हम अनजान में सपोर्ट करेंगे लेकिन बाद में क्या करेगा क्या पता है, लेकिन हाँ जब वो कर चुका है उसके बाद उसका सपोर्ट ना करें, जब वो इस लाइन में उतर चुका है तो उस बाद में उसके सपोर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, क्या बताए, समाज में पूरा गंदगी फैला के रख दिया। ऐसे चीज में किसी के मुंह में दही जम जाएगा, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ दर्पण भंडारी देखो उसी को टारगेट करो क्योंकि उसी के नाम पे तो व्यू आता है, बाकी किसी के नाम पे तो व्यू आएगा नहीं। तो सच के लिए बोलो, और बोलते हो हम सच दिखाते, ठेंगा दिखाते, बाबा जी का ठुल्लू दिखाते हो, कुछ नहीं दिखाते हो सच, सिर्फ गोलमाल सब झोलझाल दिखाते हो उल्टा सीधा, सच कोई नहीं दिखाता यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, और बज गया 7, और ये वीडियो कब जाएगा मुझे खुद पता नहीं है क्योंकि इस समय लाइट भी नहीं रह रहा है, लाइट बहुत कट रहा है, इसकी वजह से कल भी मेरा वीडियो नहीं गया है, इसके लिए सॉरी, क्षमा करिएगा और सपोर्ट करिए मुझे भी। मैं ऐसे ही बोलती रहूंगी, गलत के लिए मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी, ऐसे ही बोलती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे जो कुछ लगे, जो सच है मैं वही बोलूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, जय श्री राम। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें, और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में, वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।